स्टडी ऑफ कंप्लीट फ्लावर डायग्राम को देखेंगे, जिसमें से जो कंप्लीट जो फ्लावर होता है उसमें चार जो बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, इसको इसको पिस्टेल या कार्पेल कहते हैं, और ये जो ब्राउन कलर का है इसको, ये पूरा जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है उसको स्टामिन कहते हैं, और ये जो रेड कलर से जो बना हुआ है इसे पेटल पेटल्स कहते हैं, और ये जो ये पोर्शन जो है ये सेपल सेपल है। तो ये एक कंप्लीट फ्लावर में ये चारों पार्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और अब हम इन्हें जो कार्पेल है और जो स्टामिन है उसको उसकी स्टडी हम अलग से कर लेते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के, स्टामिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो पिस्टल है इसको कार्पेल भी जिसे कहते हैं। और तो देख लेते हैं पहले स्टामिन, दैट इज एंड्रोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। तो एंड्रोसियम जो है ये जो स्ट्रक्चर है जो ब्राउन कलर का, जैसा मैंने ऊपर बताया, स्टामिन है। जो स्टामिन जो है अगेन जो है टू पार्ट्स को मेनली मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है उस इनसाइड द एंथर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है स्टामिन या एंड्रोसियम। और उसके बाद अगेन हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है पिस्टेल या कार्पेल जिसे भी कहते हैं, दैट इज गाइनोसियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। और ये पिस्टल जो है, अब ये पूरा जो ग्रीन जो पोर्शन है पिस्टल जो है वो किन भागों से मिलकर बना होता है उसे देख लेते हैं। स्टिग्मा ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये ओवरी है, ठीक है। और ओवरी के इनसाइड ओव्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है गाइनोसियम को, ये पूरा स्ट्रक्चर गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोगों ने देखा डायग्राम ऑफ कंप्लीट फ्लावर। थैंक यू।